साहब के बेटे विशाल के साथ गाना गा रही थी। चलो इसे लड़का पसंद तो आया, आखिर उम्र भी तो हो गई है इसकी। अच्छा, जो कल तक बिल्कुल बच्ची थी आज अचानक उम्र हो गई। जय हो नारी माँ, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। अब आप जल्दी से चौधरी साहब से मिलकर शादी की बात कर लीजिए। आखिर हो ना गुड़ दिमाग, कहाँ वो ACP, कहाँ मैं हेड कांस्टेबल, हम दोनों समधी बनेंगे, सर पर पगड़ी बांधकर गले मिलेंगे। शादी की बात कर लो। डैडी, किसकी शादी? डैडी आप शादी करेंगे? माँ, माँ की सौत लाएंगे आप इस घर में? अरे मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ। ये विशाल के साथ तूने जो विशाल चक्कर चलाया है ना, उसका कुछ आगे पीछे का सोचा है या नहीं? डैडी, मुझे मालूम था कि मेरी प्रेम कहानी में मोड़ जरूर आएगा, इसलिए मैंने अपने डायलॉग पहले से तैयार कर लिए हैं। डैडी, प्यार अंधा होता है, वो छोटे बड़े ऊंच नीच का फर्क नहीं देखता। और फिर मम्मी, ये तो हर लव स्टोरी में ऐसा होता है। सेठ करोड़ी मल की बेटी राधा हमेशा छोटे दर्जे के किशन से ही प्यार करती है। मम्मी, आपने वो सावन को आने तो पिक्चर देखी है? नहीं बेटी, मैंने तो एक ही फिल्म देखी है, मदर इंडिया। और इसीलिए आप मदर इंडिया जैसे हो गई हैं। डैडी, आपने इन्हें रोमांटिक फिल्म क्यों नहीं दिखाई? आप तेरी फिल्म देख रही है ना, तेरी स्टोरी जो भी हो उसका दी एंड जूनागढ़ में होने वाला है। आदमी कुचल कर मर गया, ये वही आदमी जिसे मैंने पुलिस स्टेशन के बाहर मारा। उस आदमी के हाथ में एक रिवॉल्वर भी था, लेकिन उसे पुलिस नहीं पकड़ पाई। एक खूनी सड़कों पर सरेआम घूमता रहा, और आपकी पुलिस है कि सर? तुम पुलिस को उसका काम मत सिखाओ। तुम्हें मेरी रेपुटेशन, मेरे नाम का कुछ ख्याल है कि नहीं? आपको कितना ख्याल है डैड, हमारा और इस घर का मुझे पता है। विशाल मां, मुझे बोलने दे। डैड, आपको ख्याल सिर्फ अपने नाम और अपने पहचान का है। देखो, देखो इस तस्वीर की तरफ, इससे आपका कोई रिश्ता है कि नहीं? ये आपका बड़ा बेटा विकास चौधरी। 2 साल पहले पुलिस को उसकी कुचली लाश मिली थी, जिसे एक्सीडेंट करा करके पुलिस ने उस केस से छुटकारा पा लिया। बोलिए डैड, अगर ये एक्सीडेंट था तो पुलिस अब तक उस कार, उस ड्राइवर का क्यों नहीं पता लगा सकी? और वैसे भी कैसी पुलिस, कैसा कानून? जब पुलिस कमिश्नर को खुद अपने बेटे की मौत का इंसाफ नहीं मिला, तो भले एक आम आदमी को क्या इंसाफ मिल सकता है? वो तेरा भाई बाद में है, पहले हमारा बेटा है, ये बाप है उसके। जा, चला जा यहाँ से। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं आपकी मुश्किल समझती हूँ, आप इसकी बात नहीं रहती। विशाल ठीक ही कह रहा है, ये सच है कि मैंने काफी हद तक अपने आप को इस घर से काट लिया है। वक्त ही कहां दे पाता हूं मैं तुम्हें,
इस शहर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कुछ गुंडा ताकतें हमारे कानून और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। मैं बोलता तो रहता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन सच तो यह है रेवती कि सब कुछ हाथों से छूटता जा रहा है। मैं इतना उलझ गया हूं कि अपने बेटे की मौत तक को भुला चुका हूं। चौधरी साहब सलाम। मुलाकात तो मैं आपसे ऑफिस में भी कर सकता था, मगर आप जानते हैं कि मैं अपने मामले कानून के दायरे के बाहर निपटाता हूं। अच्छा किया खान जो दायरे के बाहर मिले हो, वरना इतनी बात कहने का मौका नहीं देता। चौधरी साहब, आपके बेटे ने सरेआम हमारे आदमी को मारा है, उसने अपनी गुंडा ताकत दिखाई है। देखो, मुझे पता है कि उसने किस आदमी को और क्यों मारा है। हाँ हाँ, जिसे मारा है वो पादरी या पुजारी तो है नहीं, खूनी है, खूनी। तो निकाल दो उसके नाम का कागज, निकाल दो। मैंने तो कभी पुलिस को रोका नहीं। क्यों, और कोर्ट में गवाही अकेला विशाल ही तो देगा ना। आप चलिए। खान, मेरे साथ कुछ कानून की बंदिशें हैं, वरना तुम जैसों को तो गोली मार देनी चाहिए, भून देना चाहिए मशीन गन से। ख्याल अच्छा है चौधरी साहब, लेकिन एक बात समझ लो, ऐसे ख्याल जब आते हैं ना तो समझो अपना बुरा टाइम आ रहा है। तुम्हारे दिन अब भर गए हैं खान। मेरे हाथ तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ना भी लगे, लेकिन जिस दिन तुम मेरी बर्दाश्त की हद को छू गए, उस दिन मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम्हें अपने मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। चलो। खान का दिल बोलता है कि तुम्हारे साथ कोई फसाना जरूर बनेगा। डैडी, शट अप। और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी शादी हो जाएगी मेरे बेटे से? मुझे तो यह सब देवकी नंदन शर्मा का किया धरा लगता है। डिपार्टमेंट में तो तरक्की हो नहीं पाई उसकी, और अब मेरे बेटे से शादी करवाकर मेरा समधी बनना चाहता है। मेरा समधी, एसीपी का समधी, हेड कांस्टेबल। मैं उसकी ट्रांसफर करवा दूंगा, जूनागढ़ भेज दूंगा उसे, जूनागढ़। मैं जूनागढ़ नहीं जाऊंगा, मैं जूनागढ़ नहीं जाऊंगा, मैं जूनागढ़ नहीं जाऊंगा। ये क्या हो गया है आपको? सोते जागते हर वक्त जूनागढ़ जूनागढ़ करते रहते हो। मुझे तो ये कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है। मौलवी साहब से मिलकर तावीज बनवा लो। अरे तावीज बनवा लो अपनी बेटी के लिए, बुला उसको, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई सुबह सुबह, आज बहुत खुश नजर आ रही। क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। अब तक तो लेटर भी टाइप हो चुकी होगी। अगवानी बचा सकता है मुझे।